तो सुबह का दोस्त, आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो मेरे दोस्त। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बिना दिक्कत ऐप के अपने टैब में जो यूट्यूब और गूगल है उसको कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि कल शाम लगभग 4 बजे से हमारे टैब है जो उसमें से दिक्कत ऐप को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, आप आपको बता दूँ कि वो क्यों हटाया है थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिक्कत ऐप है जो इसमें थोड़ी सी और सेट ज़्यादा सेटिंग को आपको करके भी देंगे, जिससे कि आप उसमें कोई भी गूगल वगैरह नहीं चला पाएंगे। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना दिक्कत ऐप और अदर किसी ऐप के कैसे चला सकते हैं अपने जो टैब है उसके अंदर गूगल और यूट्यूब। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना मत भूलना, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको आई के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक करना है, और वाईफाई पर आपको यहाँ पर वाईफाई को ऑन कर ऐड नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अब आपको लिखना है play.google.com, ये आपको लिख देना है, और इस पर आपको दबाए रखना है, और यहाँ पर प्ले ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपका प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर आइकन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर पेमेंट एंड सब्सक्राइब करने पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर पहले नंबर पर पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ पर ऐड नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, और यहाँ पर प्राइवेसी नोटिस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, और अब आपको यहाँ पर गूगल होम पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर गूगल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर गूगल ओपन हो गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप यूट्यूब को कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये गूगल सही तरीके से वर्क कर रहा है, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर यूट्यूब का कैसे चला सकते हैं। आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है क्रोक्सी प्रोक्सी VPN, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। ऐसा लिखने के बाद आपके सामने जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, और अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर YouTube लिखा दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऐसा करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और थोड़ी देर लोडिंग करने के बाद आपकी यहाँ पर YouTube ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब को चला के भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया है, यूट्यूब के सभी फ्यूचर यहाँ पर चलने लग गए हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको मेरा चैनल ओपन यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा चैनल ओपन हो गया है। और दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि वीडियो चल रही है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो भी यहाँ पर सही तरीके से चल रही है।